हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। मैंने है ना कुछ सामान मंगाया था ब्लिंकिट से। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे थोड़ा सामान आ ही जाता है। एंड एक बार मेरे साथ ऐसा इंस्टेंस हो चुका है कि नियर एक्सपायरी उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिया था, तो मैं अभी हर चीज़ की एक्सपायरी ज़रूर से चेक करती हूँ। करती पहले भी थी बट थोड़ा उतना ध्यान से नहीं करती थी। मैंने दूध भी मंगाया था तो दूध के जो पाउचेज़ हैं इनको मैं पहले वॉश कर लूँगी, फिर दूध मैं एकदम आते ही बॉइलिंग पे रख देती हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं दूध मंगाती हूँ एंड उस वक्त बॉयल नहीं करती, फ्रिज में रख देती हूँ कि मैं शाम में कर लूँगी या इस काम से फ्री होके कर लूँगी, तो बहुत बार दूध बिगड़ जाता है। इसलिए अब तो मैंने पॉइंट बना लिया है, जैसे ही दूध आएगा मेरे को उसे बॉइलिंग पे रखना है। इससे क्या होता है, अगर दूध बिगड़ भी गया है ना तो आप उसको एस्केलेट कर सकते हो इशू को। पर आपने आज का दूध शाम में उबाला, कल उबाला, तो फिर वो उसको सीरियसली लेते भी नहीं है मैटर को। और ये दिन है ना सानवी खुशी का स्पोर्ट्स डे था, तो उन लोगों को उनके स्कूल से स्टेडियम ले जाया गया था। वहाँ पर काफ़ी देर बच्चों ने, बिकॉज स्पोर्ट्स डे था तो सारा दिन वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैं सोच रही थी अभी वो लोग स्कूल से आने वाली हैं तो आज मैं थोड़ा सा बढ़िया सा लंच बनाऊँ। यूजुअली लंच हमारा सिंपलेस्ट ही रहता है, ज़्यादातर दाल चावल, कुछ ब्रेकफास्ट में से बच गया है तो वो, और कुछ अगर पिछले रात का कोई दाल सब्ज़ी वगैरह बच गई है तो वो भी लंच में ही यूज़ हो जाती है। बट आज मैं थोड़ा सा दो तीन आइटम्स रखने वाली हूँ थाली में, क्योंकि बच्चे बहुत थक के आएंगे और आके बहुत देर सोएंगे, तो मैं सोच रही थी अच्छे से खा पी लें फिर सो जाएंगे कुछ एक घंटे। तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। ऑल्सो मैं जो सोया है ना, इसका एक पेपर रोस्ट, पेपर घी रोस्ट आप कह सकते हो, वो बनाने वाली हूँ, जो एक बहुत अमेजिंग स्नैक भी है और थाली में बहुत अच्छा साइड डिश का भी काम करता है। तो इसके लिए पानी में थोड़ा नमक डाल करके मैंने सोया को एक बॉयल आने के लिए रख दिया है। इधर मैंने कुकर के अंदर ऐड किया है थोड़ा ऑयल और इसके अंदर बारीक कटे हुए प्याज मैंने ऐड कर दिया है, एक ही प्याज है ये। एंड देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़े से इलायची, छोटी हरी इलायची और बड़ी वाली जो काली इलायची रहती है वो भी, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, ये फट जाते हैं कभी कभी भूनते हुए, तो थोड़ा इनका मुंह आप खोल सकते हो। देन इसको भून ले, मतलब प्याज थोड़ा सा सुनहरा सा गुलाबी सा हो जाए इतनी देर, बहुत लाल लाल नहीं करना प्याज को। फिर इसके अंदर टमाटर और कटी हुई हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है और इसको तभी तक भूनना है जब तक कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। और मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा उबाला हुआ दाल मखनी वाला मिक्स, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यूजुअली दाल मखनी मैं घर में एकदम ऐसे सिंपल वाली ही बनाती हूँ, प्याज टमाटर का तड़का लगा के, बट अगर स्पेशल ओकेजन है, गेस्ट हैं, तो फिर मैं इसको बिना टमाटरों के, बिना प्याज के टमाटो प्योरे डाल करके, जैसे आपने मेरे करवा चौथ वाले व्लॉग में देखी होगी रेसिपी, तो ज़्यादा क्रीम बटर करके स्पेशल तरीके से वैसे बनाती हूँ। अदरवाइज़ घर में भी हम लोग ये जो दाल मखनी है, यानी कि होल उड़द, थोड़े से राजमा डाल करके, राजमा उड़द कहते हैं फिर हम लोग इसको, फिर ये दाल मखनी नहीं होती, तो राजमा उड़द की दाल बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है घर में और वो ऐसे सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। नमक थोड़ा कम लग रहा था, नमक मैंने ऐड किया, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और क्योंकि मैंने करवा चौथ पे दाल मखनी बनाई थी तो उसके लिए क्रीम भी मंगाया था, वो भी थोड़ी सी बची हुई रखी थी मेरे पास, तो वो भी मुझे यूज़ कर लेनी थी, इसलिए मैं इसको फिर से तड़का लगा रही हूँ। जो पेपर रोस्ट है इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, तो पैन के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़े से धनिया के दाने, धनिया बीज, कोरिएंडर सीड्स, देन थोड़ा सा ब्लैक पेपर,
थोड़े से सौंफ ऐड किए मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा और एक सूखी लाल मिर्च ऐड करूँगी मैं। धनिया ज़्यादा जाता है इसमें, नहीं पेपर सबसे ज़्यादा जाती है, फिर धनिया, और फिर जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे क्वांटिटी रिड्यूस करते जाएँ। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लें, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और चट 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 ऐसा साउंड आने लगेगा, बस तब आप गैस बंद कर दें, इसे ज़्यादा काला ना करें। पेपर रोस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं करी लीव्स। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट घी लेटर भी इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा ऑयल ही ऐड किया है। देन कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दें। अब ये पेपर रोस्ट है, थोड़ा स्पाइसी ये हो सकता है, तो आप मिर्ची ना थोड़ा हिसाब से डालें कितना स्पाइसी आपको खाना है। मैंने एक मिर्ची ऐड करी है जो बहुत तीखी नहीं है, क्योंकि ये मैं प्राइमरीली सानवी खुशी के लिए बना रही हूँ, उनके लिए बहुत तीखा फिर ठीक नहीं रहेगा, वो खाएंगे नहीं। इसके बाद ये जो सोया है जो उबाल लिया था, इसको दो चार पानी से मैंने धो लिया है, स्क्वीज़ कर लिया है, इसको ऐड कर दिया है पैन के अंदर। ऐड करेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और बिल्कुल फुल फ्लेम पे इसको भूनना है, तब तक जब तक कि सोया पे थोड़ा सा रेड रेड ह्यू आने लगे। ये आप देखें सोया भुना भुना सा हो गया है, ये प्रोसेस फुल फ्लेम पे ही करें, वरना सोया ड्राई हो जाएगा, इसके अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, फुल फ्लेम पे जल्दी जल्दी से कलर आ जाता है। फिर जितना आपको स्पाइसी रखना है उतना आप मसाला ऐड करें, ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करें। मैंने इसमें जो अभी रोस्ट मसाला बनाया था ना, वो ऐड करने के बाद घी ऐड किया है, क्योंकि जो आपके मसाले रहते हैं ना उसका जो अरोमा है वो फैट के साथ ही रिलीज़ होता है, और क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी भी नहीं है और ये जो सोया है उसने सारा फैट भी अब्जॉर्ब कर लिया है, तो ना फिर क्या होगा जब आप इसको ऐसे ही ड्राई मसाला डाल करके अगर बाद में खाएंगे तो हो सकता है आपको वो धसका सा फील हो, इसलिए थोड़ा सा घी यहाँ पर ऐड करें। एंड नाउ अच्छा खासा ये रोस्ट हो चुका है, प्याज भी रोस्ट हो गए हैं एंड सोया भी अच्छा खासा रेड हो गया है। स्टिल इसे 2 मिनट पे, सारी प्रोसेस मैंने अभी तक स्लो फ्लेम पे ही की है, इसे 2 मिनट और अभी भूनना है कि ये थोड़ा सा ना रच बस जाए घी इसके अंदर और जो रोस्ट मसाला ऐड किया है उसका अरोमा इसके अंदर। और दाल के ऊपर थोड़ा थोड़ा कोरमा सा छूट गया है, कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है, तो ये तो हो गया माय काइंड ऑफ उड़द राजमा की दाल तैयार। बट क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी, ये डिलेक्टा की डेरी क्रीम है, ये मैं ऐड कर रही हूँ, ख़त्म करनी है बिकॉज़ मुझे बस इसको मिक्स कर लें और बढ़िया उबाल आने तक पका के फिर आप इसको हटा दीजिए। और स्लो फ्लेम पे मैंने उसे रख दिया है, वो थोड़ी देर उबलती रहेगी, सिंपल सी दाल मखनी हो गई है रेडी। तो यहाँ पर मैं एक और बहुत ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पैन के अंदर लिया है, थोड़ा ऑयल ऐड किया है, ज़ीरा, थोड़ा सा राई एंड करी पत्ता, ये सब भुन जाएगा तो ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ गार्लिक। गार्लिक को बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है जब ये भून जाता है, ज़्यादा काला वाला नहीं करना, अच्छा बस भून ले। और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं प्याज। प्याज मैंने इंटेंशनली इस तरह लंबे लंबे काटे हैं, आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हो, पर ऐसे लंबे लंबे अच्छे लगते हैं। यह है बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाली बहुत ही क्विक प्याज की कढ़ी, इसमें प्याज ऐसे लंबे लंबे दिखते से अच्छे लगते हैं। ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर एंड नमक स्वाद के हिसाब से। ये सब चीज़ें ना प्याज में ही मिलाइएगा और मसालों के साथ नमक के साथ प्याज को और 2 मिनट भूने तो प्याज एकदम थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा कच्ची कच्ची ना रहे, लाल लाल भी नहीं भून लेना, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर ये था दही, और इसके अंदर मैंने बस एक छोटी चम्मच बेसन ऐड किया था, ये मिक्स बना करके मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। इसे निरंतर चलाते रहें जब तक एक बॉयल दिखे, 2-4 मिनट पका लें, ऐड करें इसके अंदर कसूरी मेथी और इस तरह ऊपर घी आने तक इसको पका लीजिए। आपने हमेशा सुना होगा कि कढ़ी को जितना काढ़ा जाए वो उतनी ही अच्छी बनती है, वो उस सूरत में जब आपने
जितना दही है उसका तिहाई या चौथाई हिस्सा बेसन लिया हो। तो बेसन को बहुत अच्छी तरह से पकाने के लिए कढ़ी को काढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट मैंने यहाँ एक बड़ी कटोरी दही के अंदर एक छोटा चम्मच फुल भी नहीं था, इतना कम बेसन लिया है। तो ये अच्छी तरह आप 5-10 मिनट बॉईल कर लें तो भी ये कढ़ी रेडी हो जाती है। ये एकदम सिंपल क्विक वाली कढ़ी है और थोड़ी सी ये बनाई है मैंने। आप देखें ये सारी सारी दही ही है मेजरली, थोड़ा ही मैंने बेसन ऐड किया था। ये लंच के टाइम पर मैं यूजुअली बनाती हूँ और पहले तो बहुत ज़्यादा बनाती थी जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी, क्योंकि ये झट से बन जाती है और स्वाद भी बहुत लगती है। मेरी दाल मखनी हो गई है रेडी, सोया रोस्ट, सोया घी पेपर रोस्ट भी हो गया था रेडी। तो मैंने ये सब के साथ चावल अच्छा लगेगा तो चावल ही बना लिए थे, ज़ीरा राइस मेरे तरह से। और साथ में ये पापड़ मैंने सुबह ही मंगाए थे, ये है साउथ इंडियन स्टाइल के जो अप्पलम होते हैं ना, वो ये बहुत अच्छे लगते हैं सानवी खुशी को, स्पेशली ज़्यादा पसंद आते हैं दाल वाले के कंपैरिजन में। जो दाल वाले होते हैं ना उसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट होता है, बट वो स्लाइट कड़वा सा लगता है दाल का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होने की वजह से। तो वो जो बिटरनेस होती है स्लाइट सी, वो सानवी खुशी को पसंद नहीं आती, एंड फॉर दैट रीज़न दे लव आलू का पापड़, चावल का पापड़ एंड अप्पलम। और ये देखिए मैं रेडी हुई हूँ। एक्चुअली शर्मा जी के ऑफिस में एक गेट टुगेदर है, मतलब उनके सीनियर्स का गेट टुगेदर है, तो बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही है। मेरे बाल देखें, आई नीड अ टच अप, शर्मा जी को भी। तो मेरा बिल्कुल दिल सा हो नहीं रहा था, पर उनके सीनियर ने उनको पर्सनली बुलाया है इसलिए जाना होगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ। और ये जो लूज शर्ट आप देख रहे हो ना, ये ओवर साइज शर्ट, ये है फ्रॉम वेस्ट साइड, हस्बैंड की पसंद है ये। मैं तो बोल रही थी बड़ी बड़ी लग रही है, बट इन्होंने कहा अच्छी लगेगी और ये अभी भी कह रहे हैं कि अच्छी लग रही है। मैं आपको मेरे शूज़ दिखाती हूँ, एंड लुक एट माई शूज़। ये भी हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था कुछ 3-4 महीने हो गए, शायद 5-6 महीने हो गई जैकेट, वो पिंक वाली मिल गई। और शर्मा जी का आज हेयर कट डे था, उन्होंने हेयर कट कराया, शावर लिया और सीधे चले गए फैक्ट्री। अभी शायद आधा घंटा हुआ है, नहीं शायद 20 मिनट्स हुए कि ये घर आए, उनका हेयर भी कलर नहीं हो पाया। क्या था ये? सेम सेम। और ये हम लोग है ना ऑलमोस्ट उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे खुशी वॉज बॉर्न, बस 5 मिनट दूर है यहाँ से वो वाला घर जहाँ पे खुशी वॉज बॉर्न। ये जो ये टैग ट्री एंड ऑल दैट दिख रहा है ना, इसके जस्ट पीछे हम लोग का डुप्लेक्स ना, बस हम नीचे रहते थे। डुप्लेक्स था, कितना बदल गया है, तब ये सब नहीं था। अरे सिंगल पट्टे वाली रोड थी। हाँ सिंगल रोड थी एक। अच्छा मुझे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप वेस्टर्न पहन के क्यों गई हो जब सभी वहाँ साड़ी पहन कर आए हैं, तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, मुझे शर्मा जी ने बोला था इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर और उनके टॉप सीनियर जो हैं, सीनियर मोस्ट जो उनके बॉस हैं, उन्होंने पर्सनली उनको इनवाइट किया था। तो आई थॉट कि घर के अंदर ही जैसे यूजुअली पुराने भी गेट टुगेदर हमने अटेंड किए हैं वैसे होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला इट वाज अ दिवाली पार्टी, जो शर्मा जी ने हम लोग को नहीं बोला था। उनको पता था बट समहाउ उनके दिमाग से वो मिस हो गया कि वो दिवाली पार्टी हम लोग को नहीं बोल पाया। ही सेड कि इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर, तो मैं उसी हिसाब से कैजुअल तैयार हो गई थी। मुझे आइडिया होता है इट इज़ अबाउट दिवाली तो हम लोग एथनिक पहन कर ही आते। तो एक ही मौका दिया जाएगा और जिसका पहले हो जाता है हम देखेंगे। सारी वाइफ यहाँ पे आ जाए प्लीज। हाँ तो ठहरो, all wives come forward. Husbands blind floor. अपने हस्बैंड की करामत देखो, देखो देखो देखो, एक दूसरे को देखो, पता चलेगा। देखो 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 देखो, किसी की लेफ्ट आईब्रो पे है, किसी की राइट आईब्रो पे है, किसी का नाक पे है, किसी का कहीं है। एंजल परफेक्ट सेंटर,
परफेक्ट राइट यू ऑल एग्री हेलो प्लीज हस्बैंड का नाम बोलो उसको लेकर आओ काम उसने किया है सही बात है Happy Diwali once again. Thank you. મને ગુજરાતી ખબર પડે છે પર બોલવામાં તકલીફ છે. The rest of the communication will be Hindi. તો અભી મેરે કો યહાં પર approximately 2 years હોને વાલે. और आपको मैं बताना चाहूँगी ये ऑफिस में शर्मा जी को 2 साल हो गए और हम लोग पहली बार उनके ऑफिस से ये जो दिवाली पार्टी है वो अटेंड कर रहे हैं. लास्ट ईयर हम लोग इस पार्टी में नहीं थे बिकॉज इट्स अबाउट दी अदर टीम. शर्मा जी को फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया गया था इसलिए वी वर देयर एंड इट वॉज अ अमेजिंग नाइट. बहुत ही अच्छी पार्टी थी, बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर था. और अभी ये है नेक्स्ट डे, हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि दिवाली बस आ ही गई है. कुछ एक गिफ्ट्स खरीदने थे, एक छोटा सा गिफ्ट मुझे मेरे लिए ही खरीदना था और एक छोटा गिफ्ट लेना था मम्मी पापा के लिए भी. तो हम लोग गए थे इनॉर्बिट क्योंकि पहले ना थोड़ी सी पेट पूजा करने का मन हो रहा था. थोड़ी और शॉपिंग यहाँ से हम लोगों ने की थी. क्या सब खरीदा था वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी. ये व्लॉग आप देखेंगे तो बहुत लंबा हो गया है. एंड आई मेट अ वेरी स्वीट सब्सक्राइबर ऑफ माइन. हम लोग यहाँ बैठे थे टेबल पे, वो आई मुझसे मिली और इतनी हम्बल पर्सनैलिटी. मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से, उनसे मिलकर. हर नेम वॉज प्रनीता. नाम जितना प्यारा है शी वॉज हर सेल्फ इक्वली प्यारी. और वी हैड आर लंच यहाँ पर, उसके बाद फिर थोड़ा सामान खरीदा. एंड जैसा मैं आपको बता रही थी ये व्लॉग थोड़ा लंबा है. नेक्स्ट व्लॉग में शर्मा जी को क्या गिफ्ट मिला उनके ऑफिस की तरफ से, मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा वो सब आपको दिखा दूंगी. और बहुत ही सुंदर सजाया गया है मॉल क्योंकि दिवाली के लिए तैयार किया जा रहा है. इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल पड़े दूसरे जगह पर. हम लोग को जाना था क्रोमा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेने थे दोनों ही, मेरे लिए भी और मम्मी के लिए भी. तो वो क्रोमा में ना थोड़ा अच्छा मिल जाता है, अच्छा से एज इन वहाँ पे आपको कई सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक साथ दिख जाते हैं तो अच्छा कंपैरिजन आप ड्रॉ कर सकते हो. प्लस यहाँ पे जो अटेंडेंट्स रहते हैं दे गाइड वेल. तो देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया है. एक माइक्रोवेव, सोलो माइक्रोवेव लिया है मेरे लिए बिकॉज मेरे पास माइक्रोवेव था बट वो मैंने गिव अवे कर दिया. एंड उसके बाद फिर अभी कुछ एक वक्त से ऐसा लग रहा है कि नहीं माइक्रोवेव ज़रूरी है हीटिंग पर्पज़ के लिए. तो इसलिए पहले जो मेरे पास माइक्रोवेव था वो काफ़ी बड़ा था और वो सैमसंग का था एंड उसमें कन्वेक्शन भी, ग्रिलिंग भी, ये वो सारे फंक्शन पैक्ड मैंने लिया था. लेकिन अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि माइक्रोवेव की ज़रूरत सिर्फ रीहीटिंग के लिए होती है तो मैंने सोलो ही लिया है. जब आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी. और एक रेफ्रिजरेटर लिया है मम्मी पापा के लिए. शर्मा जी एक पोलोरॉइड कैमरा शानू खुशी के लिए लेना चाह रहे थे बट देन अभी ना बजट हो रहा था ना ही वो कुछ समझ आया था तो हम लोग वहाँ से चले आए. डिलीवरी अभी नहीं हुई, हम लोग सिर्फ बिलिंग करवा के आ गए थे. डिलीवरी वो लोग खुद डिलीवर कर देते हैं 1-2 दिन में. एंड मम्मी पापा का तो पुराना रेफ्रिजरेटर भी है तो वो उसे उठा कर भी ले जाएंगे. घर आकर के शर्मा जी को थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था. ही सेड कि सर भारी भारी लग रहा है, मुझको चाय पिला दो. तो मैं यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ एंड मैंने उनको बताया कि मैंने अपलम मंगाए थे सुबह. तो ही बताया कि अच्छा उनको भी बहुत पसंद है ना, तो ही सेड कि हाँ ठीक है मेरे लिए 2 अपलम भी फ्राई कर देना. फिर शानू खुशी को भी पसंद आते हैं और हम लोग है ना चाय के साथ अपलम बहुत इन्जॉय करते हैं, थाली में तो मज़ेदार ये लगते ही हैं. तो मैं थोड़े से वो भी तैयार करूँगी.
हम लोग ने चाय वाय पिया, इसके बाद शानू खुशी अपना रूम और मैं मेरा वाला रूम थोड़ा सा सेट कर रहे थे, इतने में पापा का कॉल आया कि मम्मी पूजा कर रहे हैं तो घर पे आ जाएं हम सभी लोग, पूजा हम लोग इकट्ठे ही करते हैं। तो यहाँ पर शानू अपना रूम सेट कर रही है, मैंने अपना रूम सेट किया और इसके बाद हम लोग फटाफट से तैयार हो गए। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, पहली बार ये पहनी है ये, और ये मैंने नहीं खरीदी, ये मेरी जो मासी सास हैं उन्होंने मुझे दी थी। तो ये मैंने ना तैयार भी नहीं करवाई है, इसमें फॉल पीको कुछ भी नहीं है, बस ये मेरी आंखों के सामने आया एंड आई थॉट कि इसे पहनती हूँ। मम्मी ने मुझे कहा भी था कि ये पहन के दिखाना, तो फिर आई थॉट कि आज मैं इसको पहन लेती हूँ। एंड मेरे को थोड़ा ये डाउट था कि बैंगनी कलर की साड़ी है, पता नहीं मेरे पास ऐसी चूड़ियाँ होंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत वक्त से ना मैंने चूड़ियाँ खरीदी नहीं हैं। जो खरीदी थी वो मेरी मेमोरी में बस ये था कि मैंने रेड एंड गोल्ड ही ली है, पर लकीली मैंने बॉक्स खोला और उसके अंदर मुझे ये वाली चूड़ियाँ मिल गई, तो मैंने इसका सेट लगा लिया है। काफ़ी पुरानी है ये, काफ़ी पुरानी, शायद 10-12 साल पुरानी होंगी, बट रखी हुई थी और आज काम आ गई। बैंगनी कलर के कपड़े ज़रा कम ही होते हैं हमारे पास, तो उतना पहन ही नहीं जाती है। एंड बहुत सुंदर साड़ी तो है, बहुत सुंदर चूड़ियाँ भी हैं। चूड़ियाँ मुझे दी थी मेरी सासू मोम ने मेरे किसी बायने की फिरौती में, और ये मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा मुझे। ये जो मासी ने मुझे दी थी ना, वो कोलकाता साइड रहती हैं, वो वहाँ से लेकर आई थी इसको। एंड ये इयर रिंग्स जो हैं ये मैंने मंगाए थे अमेज़ॉन से, और ये जो ब्लाउज़ है ये मैंने मंगाया था मिंत्रा से। कैच करने के लिए अब देख नीचे ना गिर जाए ऐसे कैच करना। चलो चलो ये जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसे मेरी तरफ से 50 रुपए इनाम। हाँ अरे 50 रुपए मिलेंगे बाबा के उसको मेरे लिए, मेरे सबसे ज्यादा ये मत कर, कल शर्मा जी को गिफ्ट मिला, आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। देखो बड़ी मां, देखो ये सानवी तो आ गई, आके बैठ गई गाड़ी के लिए भाई, बड़ा खाली कर रहा है। नहीं बड़ा छी बड़े भी नहीं गंदे, अबे करने तो एक बार यार, बार बार करते हो तुम, बार बार खुद ही काट देते हो। कई बार हो गया उनका कि मैं बढ़ाऊंगा, फिर इनको खुजली लगेगी तीसरे दिन। तेरी चीटिंग, बड़ी माँ का मुंह ही पकड़ लेगी। बकअप बकअप खुशी, तुमने शानू को क्यों पकड़ लिया, ना उसे पकड़ने दे रहे हो ना खुद पकड़ रहे हो। हो गए ना बस दो हो गए, अब तीन बता। आप खुशी फिर शानू को पकड़ लिया पापा ने, सिंघाड़े पकड़ने हैं। अच्छा तुम ना ले पाओ, अच्छा ये हमारी गोद में दे दिया। एक बार और तीन नहीं करने, जब तीन का नंबर तीन, मेरा नंबर तीन, मेरी शादी तीन, पोती तीन, तीन दूसरी पोती भी। दोनों मट्टियां भी भरी हुई।
चलो पूरे पार्टनर वाले ही दे तू। अरे दूसरा भी दे दो बस। दिखाओ दिखाओ हु इज द विनर, दिखा खुशी। बस बस नहीं नहीं दिखाओ तो कौन जीता। बस ये दोनों जीते हैं। तुम टीम हो। खुशी कितने सारे ये मसाले सिंघाड़े पकड़ लिए तू। ये पकड़ और इसके बाद अष्टमी की पूजा की गई एंड इट वाज सच अ नाइस वाइब। बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड इसके बाद फिर मैंने फटाफट से पूरियां फुला दी। हम लोग साथ में ही डिनर करेंगे। मैं ऐसी चीज़ें ब्रिंग अप नहीं करना चाहती हूँ बट मुझे एक कॉमेंट याद आ रहा है, किसी ने कहा था कि खाना खाने पहुँच जाती है सास के घर। तो जितना आपको दिखता है आप उतना ही समझोगे, जितनी आपकी सोच है एक्सपीरियंस है इंसान उतना ही समझ सकता है। तो खाना खाना इज़ अ म्यूचुअल एक्टिविटी। हमारे घर पर भी हम खाते हैं, मम्मी के घर पर भी हम खाते हैं एंड नसीब है मेरे की सास मुझे ढाकर खिलाती है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट सीइंग गुड इन थिंग्स। और इसके साथ आगे हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।